दिग्रस शहर के कथित जॉगिंग ट्रैक और ओपन स्पेस के गार्डन निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का भरोसा दिलाते हुए पालक मंत्री संजय राठौड़ ने जॉगिंग ट्रैक की नई संकल्पना फिर से सामने रखी है। शुक्रवार को दिग्रस दौरे पर आए पालक मंत्री ने पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान ये जानकारी साझा की। दिग्रस शहर में एक तो जॉगिंग ट्रैक बना ही नहीं है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के दस्तावेजों में इसका अस्तित्व मौजूद है। इस काम को लेकर सवाल उठाने वालों और अनशन के माध्यम से हिसाब मांगने वालों को अजीबोगरीब जवाब दिए जा रहे हैं। कल दोपहर को हुई प्रेस वार्ता में स्थानीय लोक निर्माण विभाग और कानोबा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बताया गया कि जॉगिंग ट्रैक केवल टाइटल मात्र है, जबकि दिग्रस शिवापुर गोरक्षण रोड के इस काम में GST समेत अब तक 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। जबकि इस मुद्दे पर शुक्रवार शाम को ही विधायक तथा पालक मंत्री संजय राठौड़ ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जे काही पैसे होते ते खर्च झाले, आता राहिलेले पैसे जे आहे त्याचं व्यवस्थितपणे मला दाखवा आणि नंतर समोरचं करा असं मी सांगितल्यामुळे ते थांबलेलं आहे। आता माझं त्याच्यात जी संकल्पना माझी होती ती कदाचित आमच्या गणखडे जे आहेत त्यांना समजली नाही, त्यांनी ते शिवोला सांगितलं नाही। तर माझं संकल्पना अशी होती की दोन्ही बाजूनं त्या रस्त्याच्या प्लॅस्टिक लेअर काय म्हणते त्याला लेअरचं कोटेड हो म्हणजे प्लॅस्टिक कोटेडचे हे इंटरलॉकिंग प्युअर ब्लॉक बसले पाहिजे आणि त्याच्यातले जे पोल आहे ते बाजूला हटवले गेले पाहिजे आणि सरळ एका लाईननं तो पूर्ण रस्ता दिसला पाहिजे शेवटपर्यंत। एखादा कसं राहते की सरळ रस्ता दिसते ना त्या पद्धतीनं, आणि त्याला नाही तुम्हाला इलेक्ट्रिकल खंबे लावता येत असेल तर सोलरचे खंबे त्याला मधामधात रात्रीच्याही वेळेस ते फिरला पाहिजे आणि बसाची व्यवस्था जागोजागी रस्त्यामध्ये झाली पाहिजे अशी माझी संकल्पना आहे। त्याच्यामध्ये फक्त आता सध्याचं काम जे झालेलं आहे ते डांबरीकरणाचं काम त्याच्यात केलेलं आहे, बाकीचं उर्वरित काम आता फायनल स्टेजला आहे, त्याला आता लगेच टेंडर काढून उर्वरित काम करणार आहे। पालकमंत्री बता रहे हैं कि उनके द्वारा समझाया गया काम संबंधित विभाग के लोगों को समझा ही नहीं और इसलिए वो ये काम CO को समझा नहीं पाए। राठौड़ ने आगे कहा कि इस ट्रैक पर केवल डामरीकरण का काम हुआ है, आगे टेंडर निकाल कर सुचारू रूप से कामों को पूरा करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। जबकि ऐसे में सवाल उठता है कि कल ही इसी मामले में हुई प्रेस वार्ता में इस काम में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए हैं ऐसा कहा गया है, तो क्या केवल डामरीकरण के काम में 2 करोड़ रुपए का खर्च होता है? इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है। बहरहाल संजय राठौड़ ने गार्डनों के निर्माण में नगर सेवक कैलाश जाधव के आरोपों पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि KT जाधव ने इसकी शिकायत उनसे पहले करनी चाहिए थी ताकि वे जांच के जल्द से जल्द आदेश देते। बहरहाल देखना होगा कि आगामी दिनों में जॉगिंग ट्रैक और गार्डन निर्माण में भ्रष्टाचार के विषय में क्या कार्रवाई होती है और पालक मंत्री के संकल्पना के तहत जॉगिंग ट्रैक कब तक साकार होता है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।